लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आए दिन घट रही शोषण की घटनाओं को लेकर किया गया सर्वे कि मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों की क्या सजा हो, और जाना महिलाओं और पुरुषों का मत कि आखिर क्या करें जिससे कम हो ऐसे अपराध। तो किसी ने फांसी तो किसी ने खौफनाक सजा कही, तो कहीं यह भी कहा गया कि ऐसी मौत दी जाए कि तड़प तड़प कर पल पल जिंदगी कम होती जाए। आज मासूम जिंदगियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से अलीगढ़ के टिप्पल में मासूम बच्ची की दरिंदगी की हदें पार करते हुए हत्या का मामला प्रकाश में आया था, इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी, देश का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव जी। जिस तरीके से रेप के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, तो इन मामलों को रोकने के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए अपराधी के लिए? सबसे पहले इनको ऐसा रूल चेक किया जाए जिससे पहली ही तारीख में, ये नहीं तारीख पर तारीख पड़ती जो बंदा बच जाता है। इसलिए या तो मेरे समय ये जिसने भी केस करता है उस दिन चौराहे में बांध के उसका गोलियों से भून दिया जाए, या उसके ऐसे अंग काट दिए जाए जिससे वो पूरी दुनिया में घूमता रहे और यही पछताता रहे कि हाय मैंने ये क्या किया, और अगली पीढ़ी ये सोचे इसके साथ ऐसा हुआ, अगर मैं करता हूँ तो मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, जिससे वो आगे के लिए सचेत रहे। इनकी सुरक्षा को कोई तो कानून ऐसा बने ताकि अभिभावक आश्वस्त रहें कि अब उनके लाडले लाडलियां सुरक्षित हैं। अलीगढ़ में हुई घटना के बाद फिरोजाबाद में एक बालिका के संग दुष्कर्म का प्रयास, तो जसराना में एक 4 वर्षीय बच्ची संग दुष्कर्म की घटना। सोनिया जी, जिस तरह से ये रेप के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह की सजा होनी चाहिए अपराधी के लिए जिससे कि इस पर अंकुश लगाया जा सके? कुछ तो लोगों की जैसे फ्री जो लोग होते हैं उस तरह का उनका शैतानी दिमाग घूमता रहता है, तो उनके लिए ये रहे कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए जो कि मतलब लगे उनको कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जबकि अपने यहाँ सजाए मौत तो है नहीं, लेकिन उन्हें ऐसी मौत दी जाए जो कि तड़पा तड़पा करके जिन्होंने उन्हें लगे कि हम गलत हैं अपने आप में, तो आगे से इस तरह का 2-4 बंदों के साथ ऐसा हो तो आगे से ये ना करने की हिम्मत हो उनकी। तो वहीं जसराना में 2 बालकों संग शोषण का मामला, इसके अलावा सिरसागंज में भी एक मामला चर्चा में बीते दिनों रहा। इसको लेकर हमारी मीडिया टीम ने शहर के लोगों से बात की, तो युवा इंजीनियर राजकुमार यादव, सौम्या दिवाकर, धर्मेंद्र यादव, सुविधा गुप्ता, रामा देवी शर्मा ने अपने अपने विचारों में अपनी अपनी बात कही। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि परिवार वालों को शिक्षित होना चाहिए, जब तक शिक्षित नहीं होंगे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाए, इधर उधर घूमने न दें बच्चों को, गलत जगह नहीं बैठने दें, गलत शोबत में नहीं जाने दें बच्चों को, और इसके अलावा अगर कोई गलती हो भी जाती है जैसे शादी ब्याह में अपने काम में लगे हैं, मनोरंजन में लगे हैं, बच्चा इधर उधर चले जाते हैं, नहीं जानकर हो पाती है, फिर भी उनके साथ कांड हो जाते हैं और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चा हमारा चला जाता है, जान से चला जाता है, मर जाता है, और फिर भी हम उसको सजा नहीं दिलवा पाते, यहाँ तक कि उसका नाम आ जाता है, वो मिल भी जाते हैं अपराध करता और हम उनको सजा नहीं दिलवा पाते, क्योंकि उनके आसपास जिनका पहुँच है, पहुँच वाले पहुँच जाते हैं, हमारा बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है, हमारे बच्चा चाहे कितना ही बड़े से बड़ा कांड करके आया हो, वो 18 साल से कम का दिखा देते हैं और बच जाता है। किसी ने फांसी तो किसी ने फांसी बहुत कम, तो किसी ने ऐसी सजा कि खौफ पैदा हो तो उसके ऐसे अंग काट दिए जाएं, तो आगे के लिए सचेत रहे, अन्य भी सबक लें। कहीं ये भी बताया कि ऐसी मौत दी जाए कि तड़प तड़प कर पल पल जिंदगी कम होती जाए। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। जी, जिस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ रेप के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सजा तो सरकार को काफ़ी सोचना चाहिए, इस बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है, सरकार का प्रावधान ही नहीं आ रहा है, चीज़ का कुछ ना सरकार कुछ कर पा रही है इस चीज़ में। मैं तो चाहता हूँ कम से कम ऐसी सजा तो मिले जिससे आने वाली पीढ़ी में कोई भी बच्चा ऐसा काम करने सोचे, 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे, एक ही बार करने की इच्छा भी ना जागे उसको उसके अंदर। किस तरह की सजा होनी चाहिए जिससे ये अपराध का रुक सके? देखो, सजाए मौत हो उससे भी कुछ नहीं होगा, सजाए मौत हो तो सकती है, सरकार ऐसा अभी तो इंडिया में लॉ में लागू नहीं हुआ है,
लेकिन होने से अगर सजाए मौत भी हुई तो भी आदमी एक बार सोचेगा घबराया करने में। लेकिन मैंने अक्सर जितना देखा जाए दो चार पाँच साल सजा होती है उसको छूट जाता है, कुछ ज़्यादा पब्लिक असर नहीं पड़ता है। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।